राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय महाकाली। राधे राधे दर्शकों, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, महाकाल, हम सबके प्यारे महाकाल भोले भंडारी, जय भोले भंडारी। भूखे को खाना, प्यासे को पानी, भोले भंडारी। भोले भंडारी का दिन आ रहा है और कहते हैं भोले भंडारी को बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़ी सद्भावना से अगर आप अर्पित करेंगे तो आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा, आपके जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। दुख कोसों दूर चला जाएगा, सुख आपके बिल्कुल गले लग जाएगा। लेकिन मन में जो भावना है वो बड़ी सच्ची होनी चाहिए, सुखी होनी चाहिए। मन एकदम आपका साफ होना चाहिए, मन में कोई लालच कपट नहीं होना चाहिए। भोले भंडारी को जब प्यार से बुलाया जाता है, भोले भंडारी हमेशा ही झोलियां भरते हैं। यह मैंने देखा है, मेरा अनुभव है, यह मेरा अनुभव है तो मैं आपको बता रहा हूं, बिना अनुभव के मैं नहीं बात करता। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। कभी जीवन में आपको कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, आपने भोले बाबा को अगर प्रसन्न कर दिया तो आपके जीवन से दुख चले जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे मैं कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, जिंदगी में अपने माता पिता के चरण जरूर छुइए। माता पिता सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, प्रभु ने भी, इस सृष्टि ने भी, पूरे भगवान साक्षात आपके पास भेजे। इस नई जनरेशन को यही करना चाहूंगा, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, माता पिता के चरण जरूर छुइए। और हमेशा की तरह हम प्रार्थना जरूर करते हैं अपने आदित्य परिवार के लिए, वो तो बनती है। और मैं तो ये चाहता हूँ आप लोग भी सारे मुझसे मिले और प्रार्थना करें। और उसके लिए संजीव जी, हमने अपनी अपॉइंटमेंट्स भी अब खोल दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग हमसे आके ऑफिस में भी मिल सकते हैं, और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं, ऑफिस में भी आके मिल सकते हैं, अवश्य ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। उससे पहले अवश्य ही मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, आप लोग भी जब भी जुड़े आप अवश्य ही प्रार्थना साथ साथ में कीजिए। किसकी दुआ किसको लग जाए किसी को पता नहीं होता, मैं तो इतना ही चाहूंगा। तो मेरी यही दुआ है, यही प्रार्थना है, यही आग्रह है प्रभु से कि प्रभु मेरा जो आदित्य परिवार है, और आदित्य परिवार में जितने भी परिवार हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबके बच्चे जो हैं अच्छे निकले, पढ़े लिखे बच्चे, खूब पढ़े लिखे और अपने माता पिता का आज्ञा भी माने, खूब पढ़े लिखे, पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो जाए। मेरे आदित्य परिवार में जितने भी परिवार हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे खूब इंटेलिजेंट हो जाए, पढ़ने लिखने में होशियार हो जाए, माँ बाप का कहना माने। और जिन जिन बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही है उनकी नौकरियां लग जाए प्रभु, और जिनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं उनके बिजनेस चलने लग जाए प्रभु, जिनकी नौकरियों में प्रमोशन नहीं हो रही है उनमें प्रमोशन हो जाए, और जिनके बिजनेस नहीं बढ़ पा रहे हैं उनके बिजनेस खूब चले। और प्रभु जिनकी शादियां नहीं हो रही है उनकी शादियां हो जाए, जितने भी हमारे आदित्य परिवार में जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं उनकी सबकी शादियां हो जाए, जिनकी शादियां नहीं हो रही, और शादियां भी अच्छी अच्छी जगह पे हो प्रभु, बढ़िया बढ़िया जगह पे हो और अच्छे अच्छे घरों में हो। और संजीव जी मैं तो ये बोलूंगी कि ये आदित्य परिवार जो है वो बढ़ता चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम आपको जो है उसके लिए 5 महा उपाय भी ऐसे बताएंगे और जो आपके जीवन में आपके चमत्कार लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिन बच्चों के बेचारों के तलाक के केस चल रहे हैं उनके तलाक के केस खत्म हो जाए, जिनके किसी भी प्रकार के कोर्ट केस चल रहे हैं उनके कोर्ट केस खत्म हो जाए, अगर किसी का बच्चा बीमार हो, अस्वस्थ हो, वो ठीक हो जाए, परिवार में कोई भी अस्वस्थ हो
वो ठीक हो जाए, बीमारियां मेरे आदित्य परिवार में जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं उनके घर से बीमारियां भी चली जाए। ये मेरी एक प्रार्थना है, अगर मैं प्रभु कुछ भूल गया हूं तो वो भी पूरा कीजिएगा। परिवार में एका हो, परिवार में प्यार हो, परिवार में जिसे कहते हैं ना एकता हो, वो ऐसा हो। तो यही मैं सदैव यही प्रार्थना करता रहता हूं आप लोगों के लिए, जितने भी आप हमारे प्रियजन हैं, मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग। तो चलिए आते हैं, अब बात करते हैं, शिवरात्रि अवश्य ही आने वाली है, तो शिवरात्रि पे अवश्य ही बात करेंगे कि क्योंकि आप लोग 11 मार्च की जो है वो शिवरात्रि है। जी जी जी, 11 मार्च की शिवरात्रि और शिव और शक्ति के मिलन को जो है वो शिवरात्रि कहते हैं। और 11 मार्च को ही, रात्रि को ही आपको जो है ये करने हैं, और सुबह और 12 मार्च की दोपहर तक जो है ये शिवरात्रि जो है वो चलती रहेगी। तो आपको जो है ये उपाय, हम पांच महा उपाय ऐसे देने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण जो है वो होगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपने क्या करना है, शिवरात्रि वाले दिन थोड़े से लेने हैं धतूरे के बीज, धतूरे के बीज लेने हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, और वो जाके शिवलिंग पे चढ़ाने। साथ में आपने लेना क्या है, पंचमृत। जय श्री राधे, जय महाकाल मेरे भोले भंडारी। आपने लेना है पंचमृत। पंचमृत में आप शहद लेंगे, घी लेंगे, दूध लेंगे और गंगा जल लेंगे और दही लेंगे। ये आपने पांच पंचमृत को मिक्स करना है, वो जाके आपने भोले भंडारी पे चढ़ाना है। पंचमृत में आप पानी मिला के उसका घोल तैयार कर सकते हैं। भोले भंडारी को पंचमृत बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। वैसे तो संजीव जी, भोले भंडारी जो है वो जल चढ़ाने से भी खुश हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन आज जो है, आज की रात जो है वो विशेष रात है, तो आप ये पंचामृत जो है वो जरूर चढ़ाएं। और उसके बाद आपने धतूरे के बीज और धतूरे के फूल, आपकी कुंडली में कहीं पर भी राहु केतु या शनि आपको कहीं पर भी नेगेटिव कर रहे होंगे, धतूरे के फूल और धतूरे के बीज चढ़ाते ही आपके जो वो नेगेटिव चीजें हैं वो सारी पॉजिटिविटी में जो है वो बदलती चली जाएंगी। क्योंकि शिव भोले इस दिन कहते हैं कि वो अप जो है, जो शिव का जो ये रात्रि होती है, ये इसमें शिव भगवान जो है वो इतनी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं कि वो जो भी भक्त उनके पास आता है तो वो सारी उनकी जो भक्ति है उसकी सुन लेते हैं, जो लोग व्रत करते हैं उसकी सुनते हैं, और उसको अच्छा अच्छा फल जो है उसकी पात्रता के हिसाब से फल जो है वो देते हैं। तो आपने ये उपाय जो है वो जरूर करना है। और दूसरा महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल 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 मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही जो कालसर्प दोष से बहुत ज्यादा पीड़ित है मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग, जो कालसर्प दोष के बारे में भांति भांति की बातें हैं, लेकिन कई सेलिब्रिटीज हैं, अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो इतने हैं कि उनकी पत्रिका में भी कालसर्प दोष है, फिर भी किंतु उनके जीवन में सुखी सुख है, उन्होंने बहुत तरक्की करी। और सर जी, कई बार कालसर्प दोष भी लोगों को भ्रांतियां होती हैं, कई बार कालसर्प दोष जो है वो देखिए राहु और केतु के एक्सेस के अंदर अगर सारे ग्रह बैठ जाए तो हम उसको कालसर्प दोष मानते हैं, लेकिन चंद्रमा अगर बाहर आ जाए तो वो कालसर्प दोष नहीं है, या कोई भी एक ऐसा प्लेनेट होता है अगर वो बाहर आ जाए तो कालसर्प दोष वो भंग हो जाता है। तो आपको कालसर्प दोष से घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए सचिन तेंदुलकर हमारे कितने पूरे विश्व विख्यात क्रिकेटर हैं, और उनकी कुंडली में भी चढ़ता हुआ, मतलब यानी कि खाता हुआ कालसर्प दोष नहीं है, चढ़ता हुआ कालसर्प दोष है, यानी कि वो जैसे जैसे बूढ़े होते चले जाएंगे वैसे वैसे उनकी यश मान कीर्ति प्रतिष्ठा। अच्छा, ये भी देखना होता है कौन सा कालसर्प दोष खाता हुआ है, कौन सा चढ़ता हुआ है, ये भी बड़ा फर्क होता है, देखना नहीं आता है लोगों को। और सर जी, कई बार जो है कई बार बस कालसर्प दोष देखते ही लोग बोलने लग जाते हैं कि ओ आ आ ओ। और इसके बारे में जो है ना एक भ्रांति और भी मैं आपका मिथक और क्लियर कर दूं, जब हमारा 35वां साल हो जाता है तो कालसर्प दोष का प्रभाव ही हमारे ऊपर नल एंड वॉइड हो जाता है। तो 35 साल के बाद अगर आपको कोई बोलता है कि कालसर्प दोष की पूजा कर लो तो उसकी कोई पूजा करने का कोई वो नहीं है, जितना उसने तंग करना था वो आपको तंग कर दिया उसने कालसर्प दोष ने। तो इसलिए जो है ना आप लोग पहले तो ये चेक कीजिए कि आपका जो कालसर्प दोष है वो सारे ग्रहों को खाता हुआ कालसर्प दोष है, क्योंकि राहु जो है वो सांप का मुंह है, केतु जो है उसकी पूंछ है, तो वो किस प्रकार से वो घूम रहे हैं आपकी कुंडली में, उल्टे घूम रहे हैं, नीचे की तरफ घूम रहे हैं, वो सब आपको पता चल जाता है कुंडली देखने पर।
तो आपको ये उपाय जो है वो करना है, जो क्या करना है संजीव जी उसके लिए उपाय, बिल्कुल बिल्कुल, राहु केतु और काल सब दोष, काल सब दोष के लिए क्या करना है। देखिए अगर आपका कहते हैं कि चंद्रमा बाहर हो, क्योंकि आजकल साइंस में भी कहते हैं चंद्रमा इज अ सैटेलाइट, तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लें एक चीज को, तो चंद्रमा अगर आपके एक्सेस से बाहर चला गया, जैसे राहु केतु के अंडर सारे ग्रह आ गए, अंदर इस तरफ आ गए, चंद्रमा बाहर हो गया, तो वो आंशिक काल सब दोष माना जाता है। कई कहते हैं शनिदेव बाहर हो तब भी एक आंशिक काल सब दोष माना जाता है, लेकिन देखा गया है कि अगर चंद्रमा बाहर हो तो आंशिक काल सब दोष होता है, बाकी कोई भी ग्रह बाहर हो वो इतना काल सब दोष नहीं माना जाता है। बाकी अपने अपनी धारणाएं हैं, मैं किसी को बदलना नहीं चाहूंगा, सब मेरे बड़े हैं और सब मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करता हूं, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है इस चीज में। तो आपने क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपने अवश्य ही आपने एक लेनी है कांसे की कटोरी, उसमें देसी घी आपने पिघला के भरना है, उसमें आपने एक नाग और नागिन का जोड़ा रखना है, उसके अंदर ही देसी घी, देसी घी के अंदर डुबो देना है, वो जाके आप किसी पंडित जी को दे सकते हैं, इससे आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। एक अवश्य ही काल सर्प दोष का हम लॉकेट भी बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है जब भी नया साल आता है तो आपके उपायों का असर खत्म हो जाता है, तो वो लॉकेट जब हम पहन लेते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, फिर वो चीज बार बार, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने लूडो जरूर देखी होगी, लूडो की गेम आपने देखी होगी, लूडो की गेम जो होती है उसमें 99 पे जाके एक सांप बैठा होता है जो आपको सीधा नीचे ले आता है, तो काल सर्प दोष का भी इसी प्रकार से आपके जीवन पे असर आता है। जैसे ही काल सर्प दोष की चोट जब लगती है इंसान 99 पे होता है, सीधा नीचे आ जाता है। तो आप भी अगर चाहते हैं, देखिए छोटा उपाय आपको हमने बता दिया, वो जाके आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं मुझे प्रॉपरली भाई काल सर्प दोष को बिल्कुल ही जगड़ देना है कि बार बार मैं 99 पे जाके 0 पे ना हूं भाई। और संजीव जी उसमें क्या होता है कि उसमें नागरसा की लकड़ी के ऊपर हमने सांप जो है वो लगा रखी होती है अभिमंत्रित करके, क्योंकि नागरसा सवा लाख मंत्रों से अभिमंत्रित करके लकड़ी होती है जिसमें नाग जो है वो चढ़ नहीं पाता है उस पेड़ पे, नाग चढ़ नहीं पाता है, असर उसका रहता है, बिल्कुल बिल्कुल वर्ड हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये उपाय आप कर सकते हैं, इसको आप पहन सकते हैं, आप उसके लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी जो है वो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय गुरुओं, एक तो मैंने तरीका आपको बताया कि काल सर्प दोष का लॉकेट आप हमसे मंगवा सकते हैं, दूसरा आपको जो मैंने बताया एक कांसे की कटोरी में देसी घी भरना है और उसके अंदर सांप और सांपिन का जोड़ा रख के आपने शिवलिंग पे रख के आ सकते हैं या पंडित जी को, या पंडित जी को दे सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एक आप थाल लेनी है, आपने थाल लेनी है आपने कांसे की, और एक कांसे की छोटी सी कटोरी लेनी है, उसमें आपने हलवा तैयार करना है देसी घी में, देसी घी में हलवा तैयार करके आपने कांसे की जो प्लेट ले रखी है उसमें हलवा डालना है और बीच में थोड़ा सा कुआं बनाना है, उसके अंदर कटोरी रखनी है कांसे की, उसमें देसी घी भरना है और उसमें सांप और सांपिन का जोड़ा रखना है। भाई जय, कई लोग जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है छोटी कटोरी में करना है आपको तो छोटी कटोरी वाला उपाय कर ले, अगर आपने पूरा फुल फ्लैश उपाय करना है तो कांसे की थाली लेनी, कांसे की कटोरी लेनी है जी। उसमें कांसे कटोरी, उसमें हलवा डाल लीजिए प्लेट में और उसमें बीच में कटोरी रखकर उसमें देसी घी डालकर उसमें नाग नागिन, पतले पतले नाग नागिन आपको 100-150 रुपए के मिल जाएंगे बाजार से चांदी के, वो डालकर उसमें आपने पंडित जी को दे दीजिए, साथ दक्षिणा भी दे दीजिए, पंडित जी ना ले तो आप शिवलिंग पर रखकर आ जाए, वैसे ढक्के जाइएगा, पंडित जी लेते नहीं है मैम, एक आज की भी बात आपको, और ढक्कर, हाँ ढक्कर संजीव जी, हाँ क्योंकि पंडित जी लेते नहीं है, लेते नहीं, क्योंकि उस दिन उनके ऊपर वो अब बोलना नहीं चाहिए कि देखिए सबका, आप जो भी चीजें करते हैं, जो भी कोई कुछ चीज हम करते हैं कुछ एक्शन का हमेशा रिएक्शन तो होता ही है, तो इसीलिए आप जो है उसको ढक्के पीले रंग के कपड़े से ढककर ले जाए और पंडित जी के हाथ में दे दें या किसी के उसमें थैले वैले में डालकर जो है वो ले जाए। तो ये जो है आपका दूसरा उपाय हो गया, आप तीसरे उपाय में बात करते हैं संजीव जी, बिल्कुल जो है शिवलिंग आपको जो है ये पारा शिवलिंग जो है आपको ये रखना है, पारा शिवलिंग जो है कहते हैं कि अंगूठे के साइज के बीच बीच में आपका शिवलिंग जो है होना चाहिए, पारा शिवलिंग जो है अगर आप अपने घर में रखते हैं तो उसकी जो है जबरदस्त वाइब्रेशन होती है, ये पारा शिवलिंग पारे से बना हुआ है बिल्कुल, और ये देखिए पारे से बना हुआ शिवलिंग है और इसकी शिवलिंग की जो ये आगे की जो ये
जो ये इसकी चोच होती है, ये यहाँ पर जो शिवलिंग का जो फेस होता है, ये आपको नॉर्थ की डायरेक्शन पर रखना है। अब मेरे नॉर्थ की डायरेक्शन इधर पड़ती है, तो यहाँ पर हमने इसके फेस जो है वो ऐसे करके रखना है। शिवलिंग का फेस हमेशा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, जो उसकी गिलहरी बनी होती है उसका फेस, जहां से जल जल जहां से जल चढ़ाते हैं। तो ये जो फेस है ये आपको हमेशा नॉर्थ में रखना है। अगर आपका नॉर्थ सामने पड़ता है तो नॉर्थ में आप ऐसे रखेंगे, नॉर्थ आपका इधर पड़ता है तो इधर रखेंगे, नॉर्थ पीछे पड़ेगा तो पीछे रखेंगे इसको ऐसे। तो इस प्रकार से, और पारस शिवलिंग जो है ये प्योर पारे का होता है, बाजार में जो मिलते हैं कई बार मिट्टी के, जो आपको 500 रुपए तक के पारस शिवलिंग मिल रहे हैं वो नकली मिल रहे हैं, रेती भरी होती है, रेती भरी होती है। और आप एज एग्जाम्पल, अगर आप बुद्धिमान है, मुझे पता है यूट्यूबर्स जितने भी यूट्यूब देखने वाले हैं वो समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इतना भारी शिवलिंग आपको 500 या 250 या 500 रुपए में या 1000 रुपए में कैसे मिल सकता है? मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूं आपसे। आज कभी आपने थर्मामीटर लेने गए, थर्मामीटर में एक बूंद पारा नहीं होता है, वो 250-500 रुपए का होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप इंटेलिजेंट है, आप समझ सकते हैं, मुझे पता है। और सुधीर जी, हम उसको रख लेते हैं, उसके हमारे जीवन में कुछ इफेक्ट नहीं, उससे क्या होता है, उससे नुकसान ही होता है जो हम नकली वाला पारा शिवलिंग रख लेते हैं या ले आते हैं, उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको आने लग जाता है और हमारे धर्म से विश्वास उतरना शुरू हो जाता है। आप लोग अपने भगवानों पर विश्वास, भगवान गलत नहीं है, आदि शक्ति गलत नहीं है, ये जो लोग हैं, ये जो तथाकथित ये जो लोग हैं, धोखेबाज हैं, चोर हैं जो ये लोग, इन लोगों की वजह से ये धर्म बदनाम हो रहा है, ये इतनी पावरफुल चीजें बदनाम हो रही हैं। और आप इतने इंटेलिजेंट होके आप खुद ही तो बेवकूफ बनते हैं, आप खुद बेवकूफ बनते हैं। क्यों? आप 500 रुपए का 1000 रुपए का पारा शिवलिंग आपको कैसे मिल जाएगा? आप नकली उठा लेते हैं सस्ते के चक्कर में, और वो आपको नुकसान करता है, दबा दबा के नुकसान करता है। तो हमेशा ही मेरी बात को ध्यान रखिएगा, कभी थर्मामीटर लाइएगा, 10 थर्मामीटर तोड़ेंगे तो एक बूंद पारा निकलेगा। आप 5000 रुपए खर्चेंगे थर्मामीटर पे, तब जाके एक बूंद पारा मिलेगा आपको। तो फिर जी, वो प्योर जो ये पारा है, या आप देखिए कि नॉर्थ की डायरेक्शन जो होती है हमारी बुध की होती है, और बुध का जो कारक चीज है वो पारा है। तो वहां पर आपकी जो जनरेशन, वहां पर रखने से क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर शिव का स्थान है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो शिव का स्थान है और शिव की नेत्र है। तो वहां पर अगर आप रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए, नॉर्थ में रख लीजिए, तो बहुत ही बढ़िया आपको रहेगा। और यहाँ से आपको जो एनर्जीज मिलेंगी, आपके काम जो है वो बनने लग जाएंगे, आपके काम रुकेंगे नहीं, आपके घर में बीमारियां हट जाएंगी, आपको धन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन, कैलाश पर्वत देख लीजिए, नॉर्थ में कैलाश पर्वत, वहां पर देखिए कितना बड़ा पर्वत बना हुआ है। तो ये देखिए भगवान शिव का वहीं पर स्थान है। तो आप देखिए, अगर आप रखते हैं अपने घर में शिवलिंग, लेकिन इसका मैंने बताया आपको अंगूठे से नीचे तक होना चाहिए, चाहे इतना बड़ा भी आप ले लीजिए, लेकिन आपका अंगूठे से नीचे के हिस्से तक ही शिवलिंग होना चाहिए, अंगूठे से ऊपर नहीं रखना चाहिए। वैसे तो लोग कहते हैं कि हम लोग जो ना शिवलिंग की पूजा हम नहीं कर सकते, इसलिए घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कहते हैं कि आपको सिर्फ जो है पारे का शिवलिंग ही एक ऐसा शिवलिंग है जिसे आप अपने घर में रख सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं, उस पर जलाभिषेक कर सकते हैं, कटोरी चांदी कटोरी में इसको रखकर आप उसमें जलाभिषेक कीजिए। और अभिमंत्रित जो है शिवलिंग मंगवाने के लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, आपको प्योर शिवलिंग जो है वो दिया जाएगा और ओरिजिनल पारे का शिवलिंग आपको दिया जाएगा। तो चलिए अब चौथे उपाय को डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए तुलसी जो है कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए, तुलसी जो है, और साथ में जो है शंख से कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शंख से कभी भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख सुर नाम का एक राक्षस था जिसका शिवजी जी ने जो है वो वध किया था, तो इसलिए शंख से आपको जो है जलाभिषेक जो है वो नहीं करना चाहिए। तीसरा, हल्दी जो बृहस्पति का कारक मानी जाती है और स्त्रीत्व का कारक मानी जाती है, कुमकुम भी स्त्रीत्व की कारक चीज है, ये दो चीजें भी आपको शिवलिंग पर तिलक नहीं करना चाहिए। लोग बड़ा गलत कर लेते हैं कि हल्दी से तिलक कर रहे हैं, नहीं, दूध, चीनी, चावल, जल, दही, इन सब चीजों से आपको जो है वो अभिषेक करना है। हल्दी
भभूत से अभिषेक कर सकते हैं, भभूत चढ़ा सकते हैं आप। अगर आपको कोई भी शत्रुओं से भय है तो भभूत चढ़ाइए, भभूत चढ़ाइए जाकर। और ये जो है आपको क्या करना है कि आपने जो है यहाँ पर शिवलिंग की जो गलहरी होती है वहां पर आप थोड़ा सा सिंदूर छिड़क सकते हैं, अदरवाइज आप शिवलिंग पर तिलक नहीं कर सकते, ना ही हल्दी का और ना ही उसका। धतूरे के बीज आपको बताए हैं, तो ये सारे उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आपके जीवन में चमत्कार आपको देखने को मिलता है। और ये अगर आप उपाय करते हैं, देखिए आपको हमने बड़े सारे धतूरे के बीज, धतूरे के फल, उसके बाद पंचामृत, उसके बाद आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप अपने मन ही मन में कर सकते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में भी ओम नमः शिवाय जो है वो जरूर लिखना चाहिए आपको, क्योंकि इससे जो एक वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन जो होती है उससे क्या होता है कि हमारी एनर्जीज जो है वो क्रिएट होती है, जो हम आकाश को देते हैं, स्पेस को देते हैं, वही चीजें वो हमें रिटर्न करता है। जितने आप पुण्य करेंगे वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास दोबारा आएंगे, जितने हम गलत काम करेंगे, जो हमारी नेगेटिव सोच रखेंगे, वो नेगेटिव सोच ही मल्टीप्लाई होकर आपके पास जो है वो नेगेटिविटी जो है वो क्रिएट करेगी। तो इसलिए शिव रात्रि, शिव की रात्रि है, शिव और शक्ति की रात्रि है, तो ये अचूक उपाय आप कर लें, आपके जीवन में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। आप स्वठिक का शिवलिंग भी, उसकी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन पारत का तो जो है विशेष विशेष महत्व है। इस दिन जो है भोले बाबा चार पहर का भी हम आपको पूरा दे देंगे कि चार पहर कब लगेंगे, चार पहर की पूजा जो बताई गई है वो भी हम आपको पूरा आगे जाके आने वाले वीडियोस बताएंगे। लेकिन ये पांच उपाय, महा उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। और ब्राह्मण को भोजन जरूर जरूर खिलाइएगा, आज के दिन बेहद ही खास दिन है ये, ब्राह्मण को भोजन जरूर खिलाइए, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं, जो मंदिर के ब्राह्मण होते हैं, हर समय उनकी एनर्जी जो होती है वो मंदिर के अंदर होती है। लोगों से चिढ़ते हैं, ब्राह्मणों से चिढ़ते हैं, अरे आपको हमेशा आप दे दोगे, उनकी किस्मत में वो बैठे हैं भगवान की सेवा करने के लिए, कौन से अच्छे कर्म करके आए हैं जो हमने नहीं किए, वो भगवान की भक्ति में बैठे हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों से मत चिढ़िए, आपके बृहस्पति खराब होते हैं, और आपको ब्राह्मण को भी अच्छा भोजन, खीर वगैरह कुछ भी आप जो है वो दें। तो सभी राशियों के लिए क्या क्या आपको उपाय करने हैं उसकी भी हमें वीडियोस जो है वो जल्दी लेकर आएंगे, लेकिन अभी आप ये पांच महा उपाय करना ना भूलें, अपने जीवन में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए संजीव जी, आज के लिए इतना ही, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाल, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी।